किचन नहीं चल रहा, बच्चों की फीसेस नहीं दी जा रही, बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, गैसेस के बिल नहीं दिए जा रहे, खुदकुशियां करने के लिए लोग मजबूर हो गए। तो वोट डालना और वोट मांगना हमारा जमहूरी हक है, आप हमें इस हक से महरूम नहीं रख सकते। लेकिन वो भी हमारे भाई हैं, वो अपनी जगह मजबूर हैं, ड्यूटियाँ कर रहे हैं, जो बेरोजगारी के हालात हैं। अगर मुल्क में बेरोजगारी ना हो तो मैं आपको जनमन बता रहा हूँ कि ये जो जितने मुलाजमीन हैं ये सारे रिजाइन करके घरों में बैठ जाएं, लेकिन हालात इतने सख्त हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नाज़रीन इस वक्त हम लोग बाज़ार में मौजूद हैं इस्लामपुरा। यहाँ पर कुछ लोगों के हाथ में मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे नज़र आ रहे हैं, आएँ और चलते हैं इनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहु। वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम एमएच शाहीन एडवोकेट है जी। सर ये आपके हाथ में पीटीआई के झंडे मुझे नज़र आ रहे हैं, तो क्या आप ये रैली के लिए निकले थे? आज हमने फरदौस अनमा चौक से रैली का आगाज़ किया था, लेकिन जैसे ही रैली का आगाज़ किया तो फोर्स ने उसको डिस्पर्स करने की कोशिश की जी। हमने जो इंचार्ज था उससे बात की, मैंने खुद जाके ज़ाती तौर पर बात की कि वोट डालना और वोट मांगना हमारा जमहूरी हक है, आप हमें इस हक से महरूम नहीं रख सकते। लेकिन वो भी हमारे भाई हैं, वो अपनी जगह मजबूर हैं, ड्यूटियां कर रहे हैं, जो बेरोजगारी के हालात हैं। अगर मुल्क में बेरोजगारी ना हो तो मैं आपको जनमन बता रहा हूँ कि ये जो जितने मुलाजमीन हैं ये सारे रिजाइन करके घरों में बैठ जाएं, लेकिन हालात इतने सख्त हैं। किचन नहीं चल रहा, बच्चों की फीसेस नहीं दी जा रही, बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, गैसेस के बिल नहीं दिए जा रहे, खुदकुशियां करने के लिए लोग मजबूर हो गए। तो अपनी जगह मजबूर हैं हमारे भाई हैं, हमने फिर अपने तौर पे जितनी एक्टिविटी करनी थी की, फिर हमने ग्रुप बना के अब मोहल्लों में इलाकों में भिजवा दिए। तो बाकी साथी आपके कहाँ पे? हम इस्लामपुरा में कर रहे हैं, डोर टू डोर मैसेज कन्वे कर रहे हैं। चूँकि सबसे बड़ा अहम मसाला था कि जब इन्होंने हमसे बल्ला छीन लिया, हमारा इंतखाबी निशान छीन लिया, उसका एक ही मकसद था कि तमाम अरबे नाकाम हो गए, तमाम कारनामे जो इन्होंने करने थे नाकाम हो गए। अवाम साथ खड़ी है खान के, अवाम विजन के साथ खड़ी है, अवाम पीटीआई के साथ खड़ी है। तो फिर इन्होंने क्या किया कि हमारा निशान छीन लिया। जब निशान छीन लिया तो फिर अब हमारे पास चैलेंज है कि हम अवाम तक, अभी हमने सुबह से काम शुरू किया, आज घंटा हुआ है, सुबह से रैली के लिए हम रेडी थे। तो लोग खुद हमसे आगे पूछते हैं निशान तो बताएं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक निशान पहुंचे। जैसा कि इस हल्के यानी 130 में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा हैं हमारी कैंडिडेट, सब्ज रंग का बैलेट पेपर होगा, लैपटॉप उनका निशान है, और 173 पीपी 173 एमपीए के हमारे ज़ुबैर खान न्याजी साहब हैं जिनका इंतखाबी निशान है पैराशूट। तो पैराशूट का वाइट बैलेट पेपर होगा और ग्रीन रंग का बैलेट पेपर होगा एमएनए का, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा है। और इंशाल्लाह ये गैरतमंद लोगों का हल्का है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 130 से लैपटॉप जीतेगा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, और पीपी 173 से ज़ुबैर खान न्याजी साहब पैराशूट जीतेंगे। और 8 फरवरी वो तारीखी दिन होगा जिस दिन आवाम बता देंगे कि वो आज़ादी चाहते हैं, वो ग़ुलामी नहीं चाहते, वो गैरतमंद माओं के गैरतमंद बेटे हैं, वो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान बना था इस्लाम के नाम पर, पाकिस्तान का मतलब था ला इलाहा इल्लल्लाह, और यही चीज़ हमारे लीडर ने बताई। आपका सवाल बड़ा अहम है, यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि निज़ाम को जिस पार्टी से ख़तरा है, जिस वर्कर से ख़तरा है, जिस निशान से ख़तरा है, पाबंदियाँ तो उस पर हैं भाई। उन पे क्या पाबंदियाँ लगानी है जिनसे ख़तरा ही कोई नहीं है, जो दाएँ या बाएँ से। यानी 144 सिर्फ आपके लिए नाफिस की? सिर्फ हमारे लिए, मैं ख़ुद फेस कर रहा हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, और आज तक अल्लाह के फजल व करम से हमने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की। देखें फौज भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है, पाकिस्तान भी हमारा है, चंद चोरों डाकुओं लटेरों को छोड़ के जो हम पे मुसल्लत हैं, जो किसी और का एजेंडा लेकर आए हैं, जिनकी बाहर जायदादें हैं, जिन्होंने बाहर से खरबों रुपए के कर्जे लिए हैं, और आवाम हमारा पैदा होने वाला बच्चा पैदा होते करोड़ों का मकरूज है, इनके पैदा होने वाले बच्चे पैदा होते करोड़ों के मालिक बन जाते हैं, क्या इनके सरखाब के पास लगे हुए हैं? ये गरीब आवाम जो मर रही है, बिल नहीं है देने के लिए, उनके पास बिजली के बिल गैस के बिल देने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों की फीसेज के लिए बच्चे घरों में बिठाए हुए हैं, तो इनका कसूर क्या है? सिर्फ ये है कि वो सच्चे हैं, वो पाकिस्तानी हैं, वो पीटीआई को चाहते हैं, वो इमरान खान के सिपाही हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो आपका सवाल है, ये जो जलसे जुलूस हो रहे हैं इनसे इनको ख़तरा नहीं है, ख़तरा है निज़ाम से, निज़ाम को ख़तरा है इमरान से, और इमरान के लोगों के लिए यह पाबंदी है। लेकिन हमारी अरबाब इकतदार से रिक्वेस्ट है कि अभी भी होश के नाखन लें, ये पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना था, आज़ाद लोगों के लिए बना था, हमने जिनसे आज़ादी ली थी
اب ان سے زیادہ ہم پابندیوں کا سامنا کر رہے ہیں. ہماری ہاتھ باندھ کر گزارش ہے کہ پلیز ہماری آنے والی نسلوں پہ ترس کھائیں, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. یہ گھوڑا یہ گھوڑے کا میدان ہے, عوام فیصلہ کر دے گی, جس کو عوام ووٹ دے گی اس کے حوالے حکومت کر دیں. یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ 3.5 سال میں جو عمران خان نے ڈلیور کیا ہے یہ 40 سالوں میں ڈلیور نہیں کر سکے. انہوں نے کیا ڈلیور کیا؟ ایون ویل, سرے مال, جائیدادیں, فیکٹریاں, شوگر ملیں, لوگوں کا خون چوسا ہے, اور اس کے علاوہ کیا گیا ہے؟ سب کہتے ہیں کہ 3.5 سال میں عمران خان صاحب نے جو ہے سب سے زیادہ حالات خراب کیے ہیں, تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ عمران خان صاحب نے کیا کیا؟ میری بہن, یہ دلیل ہے کہ عمران خان نے اگر حالات خراب کیے ہوتے نا تو 200 جھوٹے مقدمے نہ بنتے. عمران خان نے اگر حالات خراب کیے ہوتے نا جھوٹی پریس کانفرنسیں نہ کروانی پڑتی. مجھے یہ بتائیں بھائی, 9 مئی ہم تو اعلانیہ کہتے ہیں کہ جو ذمہ دار ہے اس کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے. جو ذمہ دار ہے بھائی, یہ ملک ہمارا, ادارے ہمارے, یہ جائیدادیں املاک ہماری, نہ تو عمران خان کا یہ میسج ہے نہ ہی کسی سچے اور سچے پاکستانی کا یہ میسج ہو سکتا ہے کہ آپ املاک پہ حملہ کریں, اداروں پہ حملہ کریں. جس نے یہ حرکت کی ہے اسے قرار واقع سزا ہونی چاہیے. میں پھر دوبارہ ذرا سختی سے کہہ رہا ہوں, جس نے حرکت کی ہے, تو میں یہ عرض کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے حرکت کی ہوتی تو ہم پہ ہی پابندیاں کیوں لگتی الیکشن لڑنے میں, پھر تو ہم فارغ ہو چکے ہوتے. اگر 3.5 سالوں میں ہم نے ڈلیور نہ کیا ہوتا, میں 3-4 وہ معاملات بتا دیتا ہوں بھائی, بغیر کسی قسم کے فرق کے خان نے ہر بندے کو 10 لاکھ روپے کا ہیلتھ کارڈ دے دیا. جو لوگ اس وجہ سے مر جاتے تھے کہ آپریشن کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے, چیک اپ کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے. خان نے جو یکساں نصابیت, اس نے سارے وہ کام کیے جو قوم بنانے والے کام تھے, اور ان چوروں نے سارے وہ کام کیے جو جیبیں بھرنے والے کام تھے. تو اگر 3.5 سال میں عمران خان نے غلط کام کیے ہوتے تو اس پہ جھوٹے مقدمے بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کو کیس در ایک ہی عدالت, وہی تھانہ, وہی عدالت, وہی جج, وہی مقدمہ, وہی ضمانت, وہی دوبارہ گرفتاری. مذاق بنا کے رکھ دیا پاکستان کو نظام انصاف. تو ہماری ارباب اقتدار سے یہ گزارش ہے, ہوش کے ناخن لیں, پاکستان پہ ترس کھائیں, پاکستانیوں پہ ترس کھائیں, بوڑھی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں پہ, بچوں پہ ترس کھائیں. بہت شکریہ سر. اس کے علاوہ اگر آپ کے ساتھ جو افراد موجود ہیں وہ کوئی میسیج دینا چاہتے ہو یا وہ کچھ لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہتے ہو. جی سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارا میسیج تو یہی ہے کہ سچ کو ووٹ دیں اور انصاف کو ووٹ دیں اور پاکستان کو ووٹ دیں. جو ووٹ سچ کو جائے گا, انصاف کو جائے گا, وہی ووٹ جو ہے وہ پاکستان کو جائے گا. اور یہ میسیج ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک ہی تحریک, ایک ہی جو ہے لیڈر عمران خان ہے جو سچ کے ساتھ کھڑا ہے اور جو اکیلا کھڑا ہوا ہے. سارے چور, سارے کرپٹ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور سچ ایک جگہ پہ ہے. اب یہ ضمیر کی آواز ہے, ووٹ ڈالنے جب اندر آپ جائیں گے تو اپنے ضمیر کی آواز سننی ہے. ایک دفعہ سوال کرنا ہے کہ میں کس کو ووٹ دوں, تو انشاءاللہ تعالی ہر انسان کا ضمیر یہی کہے گا کہ آپ سچ کو ووٹ دیں. اور ہم بھی آپ سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سچ کو اور پاکستان کو ووٹ دیں. سر آپ نے ابھی بڑی اچھی بات کی ہے, ایک منٹ مجھے ذرا ان سے ایک سوال کرنا ہے کہ پاکستان کو ووٹ دیں, سچ کو ووٹ دیں, اور ساتھ ہی آپ یہ کب سے جو ہے نا تحریک پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا جو ہے نا پرچم وہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں, تو میں عام عوام کے سامنے یہ سوال آپ سے کرتی ہوں کہ اگر فرض کر لیں آپ کو چننا پڑے پاکستان کا اور جھنڈا یا تحریک انصاف کا اٹھانے کے لیے, تو آپ پہلے کس جھنڈے کو اٹھائیں گے؟ یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے. پاکستان کا جھنڈا تو بلند ہے اور ہمیشہ سے ہمارے سینے پہ لگا ہے اور لگتا رہے گا, اور آج بھی ہمارے سینے کے اندر باہر پاکستان کا جھنڈا ہے. پاکستان کا جھنڈا جس نے پاکستان کو اب چلانا ہے اور اس پاکستان کو بچانا ہے, اس جھنڈے کی بقا کو بچانا ہے, اس کی عزت کو بچانا ہے, اس کا جھنڈا بھی ساتھ میں ہونا چاہیے. اور اس کا جھنڈا اگر ہوگا تو پاکستان کی جو رہنمائی ہے, جو سرپرستی ہے, وہ اچھے ہاتھوں میں ہوگی اور وہ جھنڈا اور سربلند ہوگا. اور اگر ہم صرف یہ کہہ دیں کہ وہ پاکستان کا جو جھنڈا ہے وہ کسی کرپٹ انسان کے ہاتھ میں دے دیں اور اس کا جھنڈا جو پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ لگا دیں, تو یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. اسی لیے ہم نے یہ پاکستان کا جھنڈا تو بلند ہے ہمیشہ سے اور ہمارے دل میں ہے اور رہے گا, اور اس کو بچانے والے کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں جب آیا تو انشاءاللہ تعالی یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے. ہم پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان زندہ باد کہتے ہیں اور اس کو بچانے والوں کے ساتھ ہیں.
उसको बिगाड़ने वालों के, उसको बर्बाद करने वालों के साथ हम कभी भी नहीं हो सकते। इसलिए हमने तहरीक इंसाफ का झंडा उठाया कि ये इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को बचाएंगे, इसको कैंसर हॉस्पिटल देंगे, इसको यूनिवर्सिटीज़ देंगे, नॉलेज देंगे और सबसे बड़ी बात शऊर देंगे, जो आज तक अवाम में नहीं था। आज बच्चा बच्चा जानता है कि जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद भी होते हैं, वो जो है रिजेक्ट भी होते हैं, लोगों को उठाया भी जा सकता है, जो इलेक्शन होते क्या हैं, जो हमारे जो इंतखाबी निशान होते हैं वो भी छीने जा सकते हैं। आज तक किसी को पता ही नहीं था सियासत का, बस वो आ गया और वो आ गया, अब ये आ गया और अब वो आ गया, यही था, आ रहे थे जा रहे थे, अब पता चला है कि सियासत है क्या, सियासत कहते किसे हैं, शऊर क्या है सियासत का। वो उन्होंने तो अपना काम कर दिया, खान साहब तो अपना काम कर चुके हैं, वो तो उनके तो बस इसके बाद ना उनके बेटे ने आना है, ना उनके भांजे ने आना है, ना उनके किसी ख़ानदान में से फ़र्द ने आना है। जब तक उनसे सांसें चल रही हैं वो पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, जब सांसें बंद हो गई तो फिर अल्लाह उनको जो है ना इसका अजर देगा। लेकिन ये जो लोग अपनी नस्ल दर नस्ल चल रहे हैं, अब हमें सोच रहे हैं कि किसके साथ खड़े होने हैं, या तो आप किसी एक शख्स के साथ खड़े हो जाएं जो सच के रास्ते पे है, या आप एक फौज के साथ खड़े हो जाएं जो करप्ट रास्ते पे। हम तो एक शख्स के साथ खड़े हैं जो सच के रास्ते पे खड़ा और उसके साथ चलते रहेंगे, और पाकिस्तान तो हमेशा से जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, और इसका परचम भी इंशाल्लाह ताला सर बुलंद रहेगा, हमेशा रहेगा। बस मैं तो ये कहूँगा कि ये दोहरी लड़ाई है और आवाम को इस 8 फरवरी में बहुत शऊर के साथ निकलना होगा। दोहरी लड़ाई है कि एक तरफ जो बैरूनी कुव्वत हैं जिसके खिलाफ इमरान खान ने आवाज़ उठाई, जिसके खमियाजे में वो आज जेल में है, और उसके गुमाश्ते जो हैं वो इस मुल्क को अपने गैर आइनी तौर पर कंट्रोल किए हुए हैं, और इंशाल्लाह शऊर के साथ अवाम निकलेगी, इमरान खान को वोट देगी, उसके हर कैंडिडेट को पहचानेगी, इंशाल्लाह अवाम पूरे शऊर से दोहरी लड़ाई लड़ेगी इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, जुल्म हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। इसी के साथ किंजा वहीद को इजाज़त दीजिए और हक गो रहिए, हक का साथ दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया।